दोस्तों, मैं हूं श्रेयस पाठिया और आप देख रहे हो पाठिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। क्या आपको भी आपका वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है? तो आज का सेशन आपके लिए है। तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी ही ऑनलाइन फ्री वेबसाइट जहां से आप आपके वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करके रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये वेबसाइट हम यूज करने वाले हैं, capwing.com। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर अपलोड फाइल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अपलोड फाइल पर मैंने क्लिक किया है और अब वीडियोज में से हम रैंडमली कोई एक वीडियो हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट पोर्टेबल ऑडियो सिस्टम फॉर टीचर्स पे हम क्लिक करते हैं, इसे करते हैं ओपन। अब देखिए यहाँ पर ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, 0%, 1%। तो ये जितना बड़ा लेंथ है आपका अपलोड का, उतना ही ये समय लेगा अपलोड होने के लिए। अपलोड होने के पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कोई और मीडिया ऐड कर सकते हो। चलिए हम और एक इमेज ऐड कर लेते हैं जो हमें बैकग्राउंड में लगानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, क्लिक टू अपलोड, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज बना रखी है ऑलरेडी। तो चल इसे करते हैं ओपन। तो अब ये भी अपलोड हो रहा है। अब दोनों भी फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो रही है। देखिए थंबनेल यहाँ पर अपलोड हो चुका है और अपना वीडियो अभी भी अपलोड यहाँ पर हो रहा है। तो अपलोड होते ही हम आगे इसमें बढ़ेंगे। इस ऑनलाइन वेबसाइट पर आप आपका वीडियो एडिट भी कर सकते हो, प्लगइन्स भी ऐड कर सकते हो, ऑडियो एडिटिंग एलिमेंट्स, इमेजेस, ये टेक्स्ट, या फिर ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट आज का वीडियो हमारा स्पेसिफिकली सिर्फ वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करने के ऊपर है, इसलिए हम उसी पर बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये capwing.com पर हम और भी एक डिटेल वीडियो बनाएं सो दैट आपको इसमें वीडियो एडिटिंग भी समझ में आ जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो ऐड हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है। अब यहाँ पर आप इस पर राइट क्लिक करके डिटैच ऑडियो भी कर सकते हो, मतलब ही आपकी ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल अलग अलग हो जाएगी। अब जानबूझ करके मैंने सिस्टम ऑडियो बंद कर रखा है दोस्तों, सो दैट हमारी बात आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक करके भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर हम चलते हैं वीडियो पर। वीडियो पर मैंने क्लिक किया हुआ है। अब इसके ऊपर इफेक्ट्स में आपने जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये बैकग्राउंड रिमूव करने का प्रोसेसिंग हो रहा है बैकग्राउंड में। अब देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब इसे आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। अब मान लीजिए आपको इस तरीके से ही रखना है और आपको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी आप कर सकते हो। बट जनरली थोड़ा सा बाकी का बैकग्राउंड भी नज़र आए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना आप कट होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो थंबनेल वाली फाइल है ये हमने ऐड कर ली और यहाँ पर इसे हमने सेट कर लिया इस लेआउट में। अब यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद सेंड बैकवर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए इस तरीके से ये बैक में सेंड हो गया है। अब ये जो हमारी इमेज है या फिर हमारा वीडियो है, इसकी साइज़ हम थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं सो दैट वो टेक्स्ट भी हमें नज़र आए। और फिर हम यहाँ पर एडजस्टमेंट और भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है और ये हम प्ले कर सकते हैं पूरा। अब यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट से ही ये बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं और एंड तक बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इसे खींच लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा बैकग्राउंड बहुत ही कम्फर्टेबली रिमूव हो चुका है। अब दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत परफेक्टली नहीं होने वाली, बट यहाँ पर आप जैसा प्ले करके देखते हैं वैसा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोड होने में समय लेगा। तो एक बार ये कंप्लीट हो गया उसके बाद आप डायरेक्टली इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट वीडियो, तो साइन इन टू रिमूव द वाटरमार्क, या फिर डायरेक्टली वाटरमार्क के साथ भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब ये रेंडर होगा दोस्तों, और रेंडर होने के बाद ही ये डाउनलोड हो पाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है और इसका फ़ायदा भी आपको होने वाला है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुँच जाया करें। थैंक यू।